नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लिव इट अप विद ममता। तो आज की वीडियो में हम लोग घूमने जाने वाले हैं नंदी हिल्स, तो चलिए मेरे साथ। तो अभी क्या हुआ है, टाइम हो गया है 3:40 और हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी। बेसिकली क्या हुआ है, मेरी एक दोस्त मुझे मिलने आई थी जिसका नाम ही सहेली है। ये मेरा घर का जो मेरा छत है जहाँ पे मैं रहती हूँ, आप देख सकते हो कितना अंधेरा है रोड पे, और उसको नंदी हिल देखना था। तो हम लोग रात को निकल गए स्कूटी पकड़ के, भर लिए हम लोग पेट्रोल और निकल पड़े सफर पे उसे नंदी हिल्स घुमाने के लिए। तो लगभग 2 आवर्स लगा हमें, 2 घंटा ऐसे लग गया। और मैं आप लाइक सोच नहीं सकते हो कितना ठंड में मेरा और एक दोस्त था जिसने तो स्वेटर पहन लिया था, बट सहेली और मैंने स्वेटर पहनना भूल गए थे। तो वैसे भी बैंगलोर का वेदर हमेशा ठंडा ठंडा रहता है, तो बहुत मुश्किल हुआ था हम लोगों को। फिर भी जैसे तैसे करके पहुंच गए हम लोग। तो ये उसका एंट्रेंस, और ऐसे चलते 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 नीचे पार्किंग था, गाड़ी हमने लगा लिया है और ऊपर भी पार्किंग है नीचे भी पार्किंग है। बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, पता नहीं लाइक क्या है। मुझे तो सच में लोग इतना सुबह उठ के कैसे जाते हैं। मैं 4 साल से बैंगलोर में रह रही हूँ लेकिन कभी मुझे हिम्मत नहीं हुआ। बट सहेली आई थी बैंगलोर कुछ कोर्स करने, तो उसका कोर्स ख़त्म हो गया, तो 2 डेज़ के बाद उसका फ्लाइट है घर वापस जाने का, तो उसको देखना था। तो बैंगलोर स्पेशल है नंदी हिल्स के लिए जाना जाता है, तो उसको कवर करना था। वो आ पाएगी नहीं आ पाएगी बोल के, इसलिए उसका जिद पूरा करने के लिए हम लोग भी निकल पड़े। फिर भी हम लोग लेट हो गए। सबको बोलते हैं कि यहाँ पे जो आसमान में क्लाउड दिखता है वो पास से पूरा दिखता है, उसको देखने के लिए आपको वहाँ पे 5-6 बजे पहुँच जाना चाहिए। बट जैसे कि आपने देखा 3:40 को हम लोग उठे थे और स्टार्ट किए थे, तो हम लोग पहुँच नहीं पाए। तो ये रहा व्यू जो हमें दिखने मिला। उतना भी लेट नहीं हुए, चलेगा। अच्छा, भीड़ था, बहुत ज्यादा भीड़ था। बापरे, लॉकडाउन खुलने के बाद सब घूम रहे हैं ना, बहुत भीड़ था। लाइक पार्किंग में और वो एंट्री में भी फीस लेता है। लाइक कितना लिया यार, 120 या 130 कुछ लिया था 3 गाड़ी के लिए। वहाँ पे हाफ एन आवर लग गया हमें, नीचे पार्किंग के लिए हाफ एन आवर लग गया, 2 घंटा तो रोड पे ही ठंड में इतना काम काम के हम लोग निकले। वैसे तो भी मैं गाड़ी चलाई हूँ, बाप रे, जैसे तैसे पहुँच ही गए हम लोग। ये देखो, ये हनुमान, सॉरी भगवान। इसका करतूत देखना अभी, इसको मैं फिल्म कर रही थी कैमरा में, कूद के आला मेरे ही के ऊपर आ गया, बट कुछ किया नहीं। बहुत बंदर थे, बहुत ज्यादा बंदर, आप उनके सामने खाना नहीं खा सकते हो, कुछ भी ले झपट गया 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 गया। नहीं नहीं, मेरा कैमरा को कुछ नहीं किया, उधर ही कूद के खिसक गया। अभी मेरी दोस्त डर जाएगी, वो नीचे खेल रही थी। बहुत बंदर थे, बहुत ज्यादा बंदर थे, बहुत ही ज्यादा। किधर चाय दुकान तो कवर करके चले जाते हैं ना, उधर नहीं जाएंगे ये हम लोग। मैं तो चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीती हूँ, मुझे भगवान का वरदान ही सोच लीजिए, या मेरा बचपन से आदत ही नहीं था। मम्मी ने कभी पिलाया नहीं और मैंने खुद से भी कभी आदत नहीं किया, तो वरदान है मुझे कि चाय कॉफ़ी का आदत नहीं है मुझे। इन लोग को चाय पीना था, ये लोग चाय ढूंढ रहे थे। थोड़ा उधर एंट्रेंस में घूमने के बाद थोड़ा हम लोगों को फॉलो करते करते पीछे एरिया में चलते गए। तो
यहाँ पे थोड़ा मैं नंदी हिल्स के बारे में आपको बता देना चाहूँगी, जिसको नंदी दुर्ग भी बोला जाता है। ये कर्नाटका का एक चिक्कबालापुर डिस्ट्रिक्ट बोल के एक जगह है, वहाँ पे ये है। तो जब ये मतलब उससे 10 किलोमीटर शायद लगता है, तो मतलब बैंगलोर से 7 किलोमीटर हो जाएगा, मुझे 2 घंटा लगा था ना, हाँ 7 किलोमीटर या 7 मिनट ज़्यादा हो सकता है। बैंगलोर के एयरपोर्ट रोड से लेफ्ट साइड में टर्न करोगे तो गांव का रास्ता शुरू होता है, गांव का रास्ता से 10 किलोमीटर के अंदर फिर नंदी हिल आ जाता है। तो ये बोलते हैं कि ओरिजिन अब कुछ रिवर का है, जैसे कि अर्कावती रिवर हो गया, पुनिया रिवर हो गया, पाला रिवर और पापागनी रिवर हो गया और पेना रिवर हो गया, ये पांचों रिवर का ओरिजिन इसको बोला जाता है। और लोग ये ज़्यादातर सनराइज देखने के लिए या सनसेट देखने के लिए जाते हैं। मैंने भी जाने से पहले या जब मैं बैंगलोर आई थी तब मैं देखती थी फोटो वगैरह या वीडियो वगैरह, तो ऐसे आसमान में पास के क्लाउड दिखते थे, तो वो सीन बहुत अच्छा था। तो लोग वो सीन देखने के लिए ज़्यादातर जाते हैं, बट हम लोग नहीं पहुंचा पाए, या शायद वो मतलब वेदर के हिसाब से दिखते रहेगा, हमेशा नहीं दिखते रहेगा, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। बट यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर मतलब पर्सनली किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, और कोई भी प्लीज इसको पर्सनली मत लीजिएगा, मेरा व्यू है। तो पहले से सॉरी बोल दे रही हूँ, ठीक है। मैं बैंगलोर में आके हो गया, मुझे 4 साल हो गया, लेकिन नंदी हिल्स जाने का मुझे कभी उतना क्रेज नहीं था। बाकी चीज़ें कुछ कुछ देखने का क्रेज था, बट नंदी हिल जाने का कभी क्रेज नहीं था, क्योंकि हर कोई बोलते हैं कि 2 बजे से जाना पड़ेगा, 3 बजे से जाना पड़ेगा। पहला रीज़न तो आलस था, और सेकेंड रीज़न मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा। खास मीन्स अच्छा है, बुरा नहीं है, लाइक बैठने के लिए, हवा खाने के लिए बहुत बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मुझे ऐसा फील इसलिए शायद हुआ क्योंकि मेरा जो होम टाउन है वो संबलपुर है, और संबलपुर जो है वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हीराकुड डैम है, और वहाँ उसका जो सीनरी और जो हीराकुड डैम है, हीराकुड से लग के बुरला है, बुरला VSSUT बुरला, जहाँ पे मैंने अपना BTech का 4 साल हॉस्टल पे रह के बिताया है। तो ये ग्रीनरी एरिया, पहाड़ वगैरह से मतलब मैं ऑलरेडी बचपन से फैमिलियर हूँ, तो मैं तो साइकिल भी सीखने जाती थी। जो हमारा हीराकुड डैम है ना, उसमें 2 डाइक बोला जाता है, राइट डाइक, और जो डैम को बांधा गया है चारों तरफ से, उसको एक तरफ से लेफ्ट डाइक है, एक तरफ से राइट डाइक है। जो राइट डाइक है हमारा, मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट्स लगता है, वॉकेबल आप बोल सकते हो 5 से 6 मिनट लगता है। तो वहाँ पे मैं साइकिल चलाने जाती, तो सेम जो रोड यहाँ पे एंट्री करके बाद देखी मैंने, वो यहाँ पे बहुत शॉर्ट है, और जो संबलपुर में बहुत ही बड़ा है। मैं आपको किलोमीटर के हिसाब से नहीं बता सकती, मुझे नहीं नॉलेज है, शायद रिसर्च करूँगी तो पता चल जाएगा कितना एरिया है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वहाँ पे हम लोग सनसेट या सनराइज़ के लिए जाते, देखने के लिए जाते हैं, जो पानी के पीछे जो थोड़े बहुत पहाड़ रहते हैं, वो पहाड़ के पीछे जो सूरज उदय होता है और अस्त होता है, वो सीन ऑलरेडी मैंने बचपन से देखा है और बहुत सुंदर है। तो उसके कंपैरिजन में मुझे नंदी हिल्स कुछ भी अच्छा नहीं लगा सच में। बस एक ही चीज़ अच्छा लगा एंड में, आप देखोगे थोड़ा एक पीछे तरफ एक एरिया है, वो पूरा पूरी ओपन है, और वहाँ पे बैठने के लिए लोगों के लिए अरेंजमेंट किया गया है। बहुत जोर का हवा चल रहा था और बहुत ठंडा लग रहा था, वो स्पॉट मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी एरिया शायद भीड़ भड़ाका के लिए शायद मुझे नहीं मज़ा आया, और उसका जो टर्निंग भी है ना, मतलब नीचे से जो ऊपर जा रहे हो, वो भी बहुत शॉर्ट था। और आपको बता देना चाहूँगी, हीराकुड डैम देखने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लगता है, राइट डाइक जाने के लिए जो संबलपुर में है कोई टिकट नहीं लगता है। बहुत दुख की बात होती है मुझे कि
मैं गलत भी हो सकती हूँ, वो टूरिस्ट प्लेस है, बट शायद इधर के लोग जो है, अगर मेरे मेरे व्यूअर को मैं बोलना चाहूँगी, आप प्लीज़ कभी भी प्लान करते हो जाते हो मुझे कमेंट में आप इन्फॉर्म करो, मैं आपको खुद कांटेक्ट करके मैं अपने घर पे रख के आपको हीराकुड डैम घुमाने लेके जाऊँगी, आप बहुत पसंद करोगे, इतना सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो शायद वो लोग नहीं जाते हैं, पता नहीं है शायद, या कुछ तो रहेगा इसलिए नहीं जाते हैं। अभी धीरे धीरे पता चल रहा है सबको, अभी डिजिटल दुनिया के हिसाब से, इनके डिजिटल जरिया, सॉरी डिजिटल जरिया से, तो होप सो आगे चल के यहाँ पे जैसे नंदी हिल्स का क्रेज है सबको, होप सो मैं होप करूँगी कि हीराकुड डैम के लिए भी लोग का ऐसा क्रेज रहे और वो देखने जाए इस मात्रा पे। बहुत ज़्यादा भीड़ था लोग, शायद बैंगलोर सिटी में कुछ है नहीं, सब ऑफिस 5 डेज करके थक जाते हैं, तो हर कोई जाते ही है घूमने के लिए, जाना भी चाहिए, अच्छी जगह है, हैंगआउट के लिए अच्छी जगह है। मेरा ये पर्सनल व्यू था, प्लीज़ कोई भी माइंड मत कीजिएगा, किसी को भी मैं हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। तो अच्छी जगह है, मुझे अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि बुरा नहीं लगा, फिर भी हीराकुड डैम का कंपैरिजन नहीं है। तो बंदर बहुत है इस पे, यहाँ पे आप खाना वाना नहीं खा सकते हो, मतलब हाथ पे चिप्स वगैरह लेके नहीं जा सकते हो, खा सकते हो खाना बैठ के, बट हाथ में चिप्स अच्छा नहीं है बिस्किट तुम वगैरह बोल कुछ लेके नहीं जा रहे हो। अच्छा सकते, अच्छा नहीं है क्योंकि वो बोला चपेट नहीं तो लेते, पड़ेगा, हमारे सामने ही दो अच्छा लग रहा लड़के है ये। चाय बिस्किट खा रहे थे, उनसे चपेट नहीं ले, और वो दोनों खा रहे थे। आप मैं तुझे अपने उधर क्या ही देख ढूंढने रहे गई हो, थी, मैंने थोड़ा वो मतलब वो जैसे जल्दी से ले लिए ना, तो मैंने फिर नहीं किया था, मैं चाय पीने का एक्टिंग कर रही हूँ एक्चुअली। नहीं यार थोड़ा ठंड लग रहा था ना, तो पीने के लिए ट्राई कर रही थी, बट मेरा दोस्त बोला कि अच्छा नहीं है, मेन मैंने चीज क्या वापस खाना करना है है हमें। और गर्म भी था तो मुझे पीने आता भी नहीं है चाय, कैसे गरम गरम चाय पी लेते हैं लोग। ये बस की सुविधा था, अगर फैमिली जा रहे हैं चल नहीं पाएंगे उतना दूर, बहुत बड़ा एरिया था ऊपर में, तो बस का सुविधा ले सकते। देखिए जो मैं बता रही थी ना, वो जो साइड में बैठे हैं उनसे चुरा के खाए, वो लोग खा रहे हैं देखो मजे से। हाँ बेटे ऊपर चले जाएंगे अभी ये लोग, देखिए बहुत लोग यहाँ पे रील्स बना रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग, और एक एरिया मतलब अलग अलग एंट्रेंस थे उधर जाने के, कर रहे जाने के लिए जा रहे थे, तो लोग रील बना रहे थे, तो ऐसा है हैपनिंग एरिया था। लेकिन मानना पड़ेगा इतना सुबह उठ के सब निकले थे घूमने के लिए। ये सारे गैंग रील बना रहे थे, फोटोशूट, काफ़ी प्री वेडिंग वगैरह भी हो रही थी, लोग बहुत लोग ब्लॉगिंग भी कर रहे थे। और एक बात था, मेरा वीडियो थोड़ा हिल रहा है क्योंकि अब मैंने कैमरा से शूट किया है, सॉरी मोबाइल कैमरा से शूट किया है, नया नया ब्लॉगर बनी हो ना, तो सीखने में टाइम मिलेगा, तो प्लीज इग्नोरा। ये आपका होटल है, आप रह सकते हो यहाँ पे, कोई जैसे बाहर से घूमने आ रहा है तो यहाँ पे रह सकता है, वो बुकिंग करके, बाहर ही बुकिंग होता है। इसको जाते टाइम जो रास्ते हैं ना, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डोसा दुकान है, डोसा बहुत अच्छा बनाते हैं। नाइट ट्रिप के लिए घर पे जैसे कि मूवी वगैरह देखते हैं दोस्तों के साथ, हैंग आउट होता है, लेट हो जाता है, तो रोड ट्रिप के लिए बहुत अच्छा है, जगह भी मजा है, आप ऊपर स्किल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। बहुत सारे बार्स है, बहुत सारे फ्लावर लगे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो रोड है ना दोनों तरफ पूरा फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे, अलग अलग तरीके के, वो बहुत अच्छा लगा। तो ये जो टिकमा
बात था, ये मेरी दोस्त सहेली का था, उसको देखना था, तो उसकी वजह से हम लोग भी आ गए, नहीं तो शायद हम लोग कभी आते नहीं। क्योंकि पहला रीज़न तो मेन रीज़न है कि हम लोग सुबह उठ के आना, मतलब इतना आलसी हम लोग नहीं आ पाएंगे, उसके वजह से एक मार्क हो गया, हमने कवर कर लिया ऐसा बोल सकते हो। पर बहुत दूर है, थोड़ा पास होता तो सुबह शाम कभी भी चले आते। बहुत 2 घंटे लगे, 2 घंटे से ज़्यादा लगे मुझे बाइक पे, थक गई मैं पूरे चला चला के। ये मैं बता रही थी जो मुझे पसंद आया था, यहाँ पूरा खाली एरिया था और बैठने के लिए छोटे छोटे बना दिए थे 2 लोगों के लिए, 2-3 लोगों के लिए बैठ सकते आराम से। ये बहुत अच्छा था, हवा भयंकर चल रहा था, आप देख सकते हो मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं, बहुत भयंकर चल रहा था। तो प्लीज अगर किसको बुरा लगा होगा मेरे बातों से तो प्लीज सॉरी, मैं पहले से बोल दे रही हूँ, दिल से मत लगाइएगा। और मेरे वीडियो तक को अभी तक को झेलने के लिए धन्यवाद आपको। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, टिल देन आपका ध्यान रखिएगा, बाय।